महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग एक बार फिर सुलग उठी है। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए लोग अब हिंसक रुख अपनाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीते सितंबर में भी मराठा नेता मनोज जारंगे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था और खुद जारंगे धरने पर बैठ गए थे। अब एक बार फिर महाराष्ट्र सुलग उठा है। यहाँ आंदोलन की लहर एक बार फिर चल पड़ी है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर अब तक करीब 25 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आंदोलन के बढ़ते जोर के बीच सरकार को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुशरीफ के काफिले की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। इस वारदात को अज्ञात लोगों द्वारा मुंबई में अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार जब गाड़ियों की तोड़फोड़ की जा रही थी तब हसन मुशरीफ गाड़ी में नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मराठा कोटा मुद्दे को हल करने के लिए सकारात्मक रूप से काम कर रही है। कुछ लोग इस विरोध का फायदा उठाकर हिंसा फैला रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज से अपील करते हुए कहा है कि हम भी मराठा समाज के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन चीजों में समय लगता है। मराठा समाज शांति के लिए जाना जाता है, हिंसा ना करें, ये हमारी अपील है। अपने आंदोलन को हिंसा में मत बदलिए। मराठा आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार उद्धव को नहीं है। महाराष्ट्र में जो भी हिंसा हो रही है उस पर हमारी नजर है। मराठा आंदोलन के बीच सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मराठा विधायकों ने मंत्रालय के अंदर मुख्य द्वार बंद कर नारेबाजी की, विशेष सत्र बुलाने और मराठा आरक्षण देने की मांग रखी गई। मराठा आंदोलन की मांग को लेकर सत्ता स्तर पर भी टकराव जारी हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 26 अक्टूबर को मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे से मिले और समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे का समाधान करें। मनोज जारंगे के अनशन शुरू करने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इस बीच राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीते मंगलवार को मुंबई में आयोजित अपनी पार्टी की दशहरा रैली में अपने भाषण में मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने झुककर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कसम खाई। गौरतलब है कि मनोज जारंगे मराठा आरक्षण की मांग करते हुए सितंबर में भी अनशन पर बैठे थे। तब 14 सितंबर को खुद सीएम शिंदे ने जलाना के अंतरावली सराटी गांव में जाकर उनका अनशन तुड़वाया था। शिंदे ने तब उन्हें आश्वासन दिया कि एक महीने के अंदर वो मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जारंगे ने उन्हें 40 दिन का समय दिया था। 40 दिन बीतने के बाद भी मराठा आरक्षण पर कोई हल ना निकलते देख बुधवार से जारंगे ने अंतरावली सराटी गांव में ही फिर से अपना अनशन शुरू कर दिया है। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो।